हेलो व्यूअर्स वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोसेस कंट्रोल का यूनिट सेकंड प्रेशर मेज़रमेंट जिसके अंदर हम प्रेशर क्या होता है प्रेशर की कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं और उन यूनिट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है एंड कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं प्रेशर को मेज़र करने के लिए सो so, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर वट इज़ प्रेशर प्रेशर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में पर यूनिट एरिया पे लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स उसे हम कहते हैं प्रेशर सो प्रेशर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड पर यूनिट सरफेस एरिया और विच इट एक्ट्स नॉर्मली प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया एंड ही इज एब्सोल्यूट प्रेशर एफ फोर्स अप्लाइड ऑन द सरफेस एंड ए इज एरिया यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड यूनिट ऑफ ए इज मीटर स्क्वायर यानी एरिया इज मीटर स्क्वायर सो यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नाउ अब हम बात करते हैं कौन कौन सी यूनिट्स हैं प्रेशर की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल एटमोस्पेरिक और बार पाउंड पर स्क्वायर इंच एंड टॉर इनके बीच में क्या रिलेशन होता है वन पास्कल इज टू वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टेन टू दार माइनस फाइव के पर सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होता है वन इंच इज इक्वल्स टू टू हंड्रेड फोर्टी एट पॉइंट एट फोर पासकल वन एटमोसफेयर इज इक्वल्स टू वन बार विच इज इक्वल्स टू वन के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और सेवन हंड्रेड सिक्सटी एम एम एच जी वन एम एम एच जी इज इक्वल्स टू वन हंड्रेड थर्टी थ्री पासकल एंड वन टॉर इज इक्वल्स टू वन एम एम एच जी आई होप आपको इनके बीच का रिलेशन प्रेशर क्या होता है ये समझ में आ गया होगा नाउ अब हम बात करते हैं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए प्रेशर को मेजर करने के लिए हम मैनोमीटर का यूज करते हैं बैरोमीटर का यूज करते हैं प्रेशर गेज का यूज करते हैं बैरोमीटर का यूज जनरली हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए करते हैं नाउ अब हम बात करते हैं मैनोमीटर मैनोमीटर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है जब हमारा लिक्विड कॉलम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एग्जर्ट करता है तो हमारा जो मैनोमीटर होता है वो वर्क करता है सो so, ऑल मेनोमीटर वर्क ऑन द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक्सर्ट बाय आर लिक्विड कॉलम इन मैनोमीटर अननोन प्रेशर इज डिटरमाइंड बाई बैलेंसिंग इट अगेंस्ट सम नोन प्रेशर और वेक्यूम इसके अंदर हम अननोन प्रेशर को निकालते हैं जो हमारा अननोन प्रेशर होता है उसे निकाला जाता है नॉन प्रेशर के साथ उसे बैलेंस करके हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है जब लिक्विड रेस्ट में है उस टाइम पे जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है लिक्विड के थ्रू उसे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहा जाता है नाउ अब हम बात करते हैं यूट्यूब मैनोमीटर की सबसे पहले यूट्यूब मैनोमीटर का कंस्ट्रक्शन यू ट्यूब यानी कि यू शेप की ट्यूब दैट इज़ कॉल्ड यूट्यूब मैनोमीटर तो हमारा कंस्ट्रक्शन कैसा होता है ये बना हुआ होता है यू शेप में ग्लास ट्यूब से जिसे कि फिट किया जाता है एक वुडन बोर्ड पे और इस इनके दोनों लेग्स के बीच में क्या होता है हमारा स्केल लगा हुआ होता है यहाँ पे एक जो लेग होती है उसे कनेक्ट किया जाता है अनून प्रेशर के साथ और दूसरे वाले को सबसे पहले इसमें जो ट्यूब होता है उसके अंदर हम लिक्विड फीड करते हैं और वो जो लिक्विड होता है वो वाटर भी हो सकता है या फिर कोई अदर सब अदर लिक्विड भी हो सकता है लेकिन जनरली हम यूज़ करते हैं मरकरी का एक लेग जो होती है हमारी कनेक्ट होती है जो भी हमारे पास अननोन प्रेशर है उसके साथ या फिर जो भी सब जिस भी सब्सटेंस का हमें प्रेशर मेज़र करना है उसमें और जो दूसरा लेग होता है वो हमारा एटमोस्फेयर एटमोस्फेयरिक प्रेशर को क्या होता है ओपन होता है ये जो मरकरी हमने इसके अंदर फीड किया है इनका जो लेवल होता है वो पहले इक्वल होता है जैसे हम एक लेग को इसकी कनेक्ट करते हैं अनोन प्रेशर के साथ और एक लेग को कनेक्ट करते हैं उसको ओपन रखते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर को तो हमारा जो इसमें मरकरी होता है उसका जो लेवल होता है वो चेंज हो जाता है यानी कि एक का काम एक का ज़्यादा हो जाता है तो ये जो डिफरेंस आया है ये है हमारा प्रेशर डिफरेंस और इसे मेज़र किया जाता है विद दी हेल्प ऑफ दिस स्केल यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इसको है एच कहते हैं और जो मरकरी हमने इसके अंदर फीट करी हुई है उसकी डेंसिटी हमने रो मान ली प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू रो जी एच अगर हमारे पास पी वन का प्रेशर ज्यादा होगा तो यहाँ पे P1 वन माइनस पी टू आएगा इज इक्व टू रोज ही एच अगर हमारे पास P2 का प्रेशर ज़्यादा होगा तो P2 टू माइनस पी वन इज इक्वल्स टू रोज एच आएगा सो यू ट्यूब मैनोमीटर का वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन है द यू ट्यूब मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ ग्लास यू टू पार्शली फिल्ड विद ए सुटेबल लिक्विड लाइक वाटर और मर्करी one of the arm or leg of the manometer is connected to the unknown pressure tap to be, to be measured while other is connected to the other pressure tap or it is left open to the atmosphere when there is difference of pressure between two arms of manometer liquid level in the two arms do not match this level difference in the two arms of the manometer represent differential pressure